फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। वर्ष 2021 में महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा। इस साल खाद्यान्न की कीमतों में भी भारी उछाल देखा गया। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी फाओ के मुताबिक विश्व में खाद्यान्न की कीमतें 2021 में 28% तक बढ़ी हैं और एक दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। माना जा रहा है कि इस साल भी जब बाजार स्थिर है, महंगाई में कमी होने के आसार कम ही हैं। खाद्य और कृषि संगठन विश्व स्तर पर सबसे अधिक कारोबार वाली खाद्य वस्तुओं को ट्रैक करता है। इसके मुताबिक खाद्य मूल्य सूचकांक 2021 में 125.7 अंक रहा, जो 2011 के 131.9 अंक के बाद सबसे अधिक था। हालांकि दिसंबर के महीने में मासिक सूचकांक थोड़ा कम हुआ, पर यह लगातार पिछले 4 महीने से आगे बढ़ रहा था, जो दर्शाता है कि इस बार फसल की पैदावार अच्छी हुई है और मांग भी मजबूत स्थिति में बनी हुई है। खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों ने महंगाई बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान दिया है। हालांकि ये एक ऐसा दौर है जब विश्व की कोई अर्थव्यवस्थाएं कोरोना संकट से उबर रही हैं। इस बीच बढ़ती महंगाई को लेकर फाओ ने चेतावनी दी है कि खाद्यान्नों की बढ़ती कीमत के कारण उन देशों की गरीब जनसंख्या को प्रभावित कर सकता है जो मुख्य तौर पर आयात पर निर्भर है। हालांकि अपने नए अपडेट में एजेंसी इस बात को लेकर सतर्क है कि क्या इस कीमतें कम हो सकती हैं। फाओ ने अपने अपडेट में कहा है कि उर्वरकों की कीमतों में उछाल आया है, जो सीधे तौर पर ऊर्जा की बढ़ती कीमत से जुड़ा हुआ है। इसके कारण किसानों द्वारा फसलों के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले तत्कथित इनपुट की लागत को बढ़ा दिया है, जिससे अगले साल की फसल के लिए उपज की संभावनाओं पर संदेह पैदा हो गया है। एजेंसी ने अपने मार्केट अपडेट में कहा है कि दिसंबर महीने में खाद्य मूल्य सूचकांक एक बार डेयरी उत्पादों में सभी श्रेणियों के लिए कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा वनस्पति तेलों और चीनी के दामों में भी गिरावट आई है। हालांकि इस दौरान ओमिक्रॉन वायरस के कारण चिंता भी दिखी, साथ ही दक्षिण गोलार्ध से गेहूं की आपूर्ति हुई, इसके कारण गिरावट दाम में आई है। हालांकि सूचकांक में सभी श्रेणियों ने समग्र रूप से 2021 के दौरान तेज वृद्धि दिखाई और फाओ का वनस्पति तेल मूल्य सूचकांक रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। दक्षिण अमेरिका में सूखे और मलेशिया में बाढ़ से तिलहन बाजारों में हलचल के साथ 2022 की शुरुआत में फसल वायदा में अस्थिर व्यापार देखा गया है। फाओ ने कहा है कि पश्चिमी यूरोप और ओशिनिया में दूध उत्पादन में कमी के कारण दिसंबर में डेयरी की कीमतों ने अपनी हालिया मजबूती बनाए रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।